एक तरफ देश में कोरोना वायरस से लोग दहशत में हैं तो दूसरी तरफ स्वाइन फ्लू फैलने की बात हो रही है बिहार में। इस वक्त हम मौजूद हैं भागलपुर के वार्ड नंबर 26 में सुर्खीकली इलाका में, जहां अब तक 50 से अधिक जो है तो सुअर मर चुके हैं और सुअर के मरने के कारण भागलपुर का जो सुर्खीकल का इलाका है उसमें महामारी फैलने जैसी स्थिति है। हम अपने कैमरा मैन से चाहेंगे कि वह आपको यहाँ से तस्वीर दिखाए कि किस तरीके से सुअर जो है तो वो मर रहे हैं, मरने के कगार पर हैं और 50 से ज़्यादा सुअर की अब तक यहाँ जो सुर्खीकल इलाका है या महादलित टोला है इसमें 50 से ज़्यादा सुअर की मौत हो चुकी है और स्थानीय जो प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने तत्काल गड्ढा करके सुअर को जो है तो वो दफना दिया है, गड्ढे में डाल दिया है ताकि जो महामारी है वो कुछ हद तक उस पर कंट्रोल किया जा सके। आप इस ओर भी देख सकते हैं, हमारे सीधी ओर देख सकते हैं कि किस तरीके से सुअर चल रहे हैं और वह मृत अवस्था में बिल्कुल पहुंच चुके हैं और कई सुअर ऐसे हैं जो कि बिल्कुल कुछ ही देर में जैसे लगता है कि वह दम तोड़ देंगे। और जो यह पूरा इलाका है महादलित इलाका है और इसमें महादलित परिवार के लोग रहते हैं और वह सुअर पालन भी करते हैं, सुअर को पालते हैं, पोसते हैं, उनका एक तरीके से यह बिजनेस है। लेकिन जिस तरीके से महामारी फैली है इस इलाके में उसे कहीं ना कहीं पूरे भागलपुर में, पूरे शहर में यह महामारी बृहद रूप में फैल सकती है। हमारे साथ वार्ड नंबर 26 के पार्षदपति संजय जी हैं, हम उनसे बातचीत कर लेते हैं कि सर बताइए क्या हुआ है आपके वार्ड में। हमको जानकारी तीन चार दिन से ही समस्या बनी हुई थी, मर रहा था शुगर, तो हम लोग सोचे कि पलता है तो हो सकता है बीमारी वगैरह से मरा होगा, जब बृहद पैमाने पर मरने लगा और यहाँ पे पूरे इलाके में बदबू जो है और एक तरह से लोग परेशान, घर से निकलना मुश्किल हो गया सभी का, तब जाके हमको बोला तो हम तत्काल जो है वहाँ अपना जोनल प्रभारी को फोन करके जेसीबी का उपलब्ध करवाएं जी, जी। उसके बाद कल शाम को ही आने में जेसीबी थोड़ा लेट हो गया जिसके कारण 13-14 सुगर जो है गड्ढा करके उसमें दफनाया गया। वार्ड नंबर 26 में फ्लू हो गया है 3 दिन से, एक दिन मरा था 8 सुअर, दूसरे दिन 35 सुअर जो पेपर में भी आया और कल आज सुबह हमारे संज्ञान में आया तो 25 सुअर मरा है जिसको कि गड्ढा कोड़ करके उसमें डाल दिया गया है। जब सुबह में लेबर सबसे हम जो मजदूर से हम जब काउंटिंग कराने लगे तो 20 से 30 जो है सुगर मरा हुआ और बोलिए एकदम गल गया था और इससे बदबू भी। आवेदन अब तक आप कहाँ कहाँ दिए हैं? आवेदन तो अभी मैंने थी नगर आयुक्त के नाम पे लिखे हैं, फ़ोन करने का कोशिश किया, बोला अभी यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। मैंने रेहान से संपर्क किया जो अपना सफाई इंचार्ज है, तो उससे चूना ब्लीचिंग भी उपलब्ध कराने के लिए बोला गया कि कम से कम चूना का छिड़काव, जैसे गला हुआ शुगर सब वगैरह बदबू कर रहा था तो उसने वो समर्थता बताई कि जो है मंथली में सिर्फ त्यौहार में दिया जाता है, इसलिए हमने रिक्वेस्ट करेंगे कि कम से कम इस इलाके में जो महामारी फैला हुआ है इसके रोकथाम के लिए जल्द से जल्द उपाय किया जाए और प्रशासन से करेंगे कि कम से कम इसकी जांच किया जाए कि इतना बृहद पैमाने पे क्यों मर रहा है, हो सकता है इससे और इलाके में भी फैलने की आशंका। बड़ा सवाल यह खड़ा हो रहा है कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर जहां अचानक पिछले 4-5 दिनों में सुअर क्यों मर रहे हैं, यह सबसे बड़ा सवाल है। स्वाइन फ्लू का खतरा हो सकता है, महामारी फैल सकती है, देश में कोरोना वायरस का संक्रमण जो है तो फैल चुका है, कई लोगों की कोरोना वायरस से लोग संक्रमित हो चुके हैं देश के, और आप देख सकते हैं कि यह जो इलाका है यह पूरी तरीके से महादलित इलाका है और जिस तरीके से लोगों का घर से निकलना मुश्किल है, लोग अपने अपने घर में कैद हैं, एक तरीके से बोलिए कि कहीं निकल नहीं सकते हैं, दुर्गंध इतनी तेज है कि हम आपको भी बता नहीं सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर दुर्गंध आ रही है, दुर्गंध से लोग काफ़ी परेशान हैं। और आप एक बार हम अपने कैमरामैन से फिर चाहेंगे कि वो आपको वो उस गड्ढे की ओर की तस्वीर दिखाए कि किस तरीके से जो सुअर को 50 से अधिक सुअर को इस गड्ढे में डाला जा चुका है, इसके
बाद भी कई सुअर मृत अवस्था में उसी स्थान पर हैं और कुछ ही देर में जैसे लगता है कि वह दम तोड़ देंगे। अब ऐसे में जो जिला प्रशासन है, भागलपुर के जो जिला प्रशासन है, पशुपालन विभाग है, अब देखना यह होगा कि इस जो महामारी यहाँ पर फैल रही है इसे रोकने में किस तरह से कदम उठाती है या आगे आती है। हालांकि पार्षद जो वार्ड नंबर 27 के पार्षद हैं उन्होंने भी कई जगह कई पदाधिकारी को, जिला के वरीय पदाधिकारी को आवेदन दिया है, इसकी रोकथाम के लिए मांग की है। हालांकि जो यह इलाका है मायागंज इलाका है, मायागंज अस्पताल है, और ऐसी भी सूचना मिली है कि अस्पताल के इर्द गिर्द चुपके से लोग जा करके मृत सुअर को फेंक देते हैं। अब देखना यह होगा कि इसमें कितनी निष्पक्ष तरीके से जांच होती है और तत्काल क्या कार्रवाई की जाती है, क्या रोकथाम के उपाय किए जाते हैं। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सुमित के साथ सैयद इनामुद्दीन, सिल्क टीवी, भागलपुर।